दानिश या फिर भाई भाई खाने की तैयारी हो ये रही ले है और रे। हमारा पानी का काफी किल्लत है तो इस वजह से कोशिश करो पानी ज्यादा जाये मत करो। हाँ यार अभी इसी पानी में हम लोग सब्जी भी धोएंगे उसके बाद फिर गोश्त भी धोएंगे। बिल्कुल अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, शीश अभी हम यहाँ पर पहुँचे हैं। यहाँ पर बारिश का थोड़ा पानी है, वहाँ पर हमने स्टे किया और यहाँ पर हम अभी मैंने हाथ मुंह धो लिया इस पानी से। अभी मुख्तियार जा रहे हैं, हाथ मुंह मुख्तियार ने भी धो लिया। अभी नदीम जा रहा है, वो नदीम का पानी बारी इधर है है, भाई, वो भी हाथ मुंह धोने जा रहे हैं। ये और देखो पानी पानी इधर है, ये है, बारिश का ये हाँ पानी यहाँ पानी पर जमा रुका हुआ हुआ है, है। बहुत बारिश का तो पानी जमा हुआ है तो पहाड़ हम में लोग पानी निकाल मिलना के किसी गनीमत से इस पानी से कम फायदा नहीं है। उठाए क्योंकि नहाने से बेहतर है। तो तो हम हम लोग लोग को जो कोशिश है करेंगे हाथ मुंह धोकर फिर हाँ इंशाल्लाह अपना मंजिल सफर इंशाल्लाह जाओ तय जाओ नदीम करेंगे पर जाओ इंशाल्लाह। जी जी इंशाल्लाह। बस अभी तकरीबन 10 ये पकड़ना सर मिनट या फिर 5 मिनट हम यहाँ पर स्टे करेंगे। स्टे करने के बाद हम वापस जाएंगे। वो देख सकते हैं भाई, वो ऊपर शायद आप लोगों को वो ऊपर नज़ारा जाना है अभी नज़र आ रहा बहुत हो, सफर बाकी उस है। तरफ हमें जाना है। और हमारा तो दोस्त वहाँ से चीखे मार रहा है, वो हमें देखो बुला भाई रहा नवाज है। भाई यार और बताऊं हम यहाँ पर थोड़ा स्टे कर रहे हैं और जी नदीम वहाँ नदीम ये पर देखो हाथ भाई मुंह धो रहे हैं। और जैसे ही नदीम हाथ मुंह धो लेगा उसके बाद फिर मैं मुख्तियार जाएंगे ये वहाँ देखो पर। नवरोज भाई चीखे लगा। तो भाई अभी हम लोग आ चुके हैं, तो इतवार के दिन जैसे कि बोला था यार आएंगे पिकनिक मनाने के लिए, तो अभी वापस आ गए। अभी वीडियो एंजॉय की थी, वो देखो हम लोग का दोस्त सामने जा रहे हैं। बहुत ग्रुप है यार, आदमी भी बहुत सारे ग्रुप मिलेंगे हम लोग को, वो भी पिकनिक मना रहे हैं। तो हम लोग का भी माशाल्लाह बड़ा ग्रुप है। अभी हम लोग जा रहे, सामान वगैरह हम लोग ने उठाया था। सीन कुछ ऐसा हो गया यार, लेट हो गया था मैं ना, 9:30 बजे जाके इस वजह से। फिर मैंने क्या भाई दानिश का घर उसको जगह फिर उसको जगह फिर उस खाम खा 11 बजे हो गए सामान ले गया, तो इस वजह से अभी लेट हो गया। नदीम भाई देखते हुए बैठा हुआ, नदीम भाई क्या सीन है, थक गए यार? नहीं नहीं थक तो नहीं गए अभी तक, बहुत अभी तक यार बहुत। ये नदीम भाई जा रहे हैं, नदीम भाई ने हमारे जितनी भी लकड़ियां थी उनको उठाया है और कमर कस के जा रहे हैं। और काफ़ी थक चुके हैं हम, रास्ता अभी काफ़ी लंबा है, तो मिलेंगे आपसे ब्रेक के बाद। ये नदीम भाई है जो कि बिल्कुल थक चुके हैं। और मुख्तियार भाई क्या बस कहना अभी चाहते हैं? यार रास्ते पे थोड़ा सा मतलब हल्का आगे आ गए, बस अभी तक बहुत सफ़र रहता है, बहुत सारा लंबा रास्ता आगे है, तो अभी तक अभी जाना पड़ेगा हम लोग को। पसीना भी देख रहे हो, चलते अभी देख रहे हो कितना प्यारा नज़ारा है। दानिश भाई देखो उधर ले जाओ वीडियो, ये देख सकते हो भाई हाँ यार बहुत काफी वीआईपी खूबसूरत नज़ारा नज़ारा है। है। अभी तक हम तो लोग आगे भी नहीं पहुंचे हैं। दोस्तों ने कहा थोड़ा रेस्ट करते हैं, रेस्ट करने के बाद फिर आगे जाएंगे। तो अभी हम लोगों ने सोचा कि थोड़ा रेस्ट करेंगे, रेस्ट करने के बाद फिर आगे जाएंगे। तकरीबन जहाँ पर हम लोग को जाना है वहाँ से पूरे जो कोयटा है उसका नज़ारा आप लोग इंशाल्लाह दिखाएंगे। उस जगह तक पहुँचने में तकरीबन हमें 3 घंटे लग जाएंगे। तो नदीम नदीम जानी कैसे थक गए हो यार? बहुत थक गए माशाल्लाह। अभी तक दोस्त लोग भाई आगे है तो हाँ। अभी सारे दोस्त आगे आगे चले गए, हाँ। हम लोग पीछे रह गए, हाँ। तो ऐसा ऐसा इंशाल्लाह वहाँ तक इंशाल्लाह पहुँचेंगे। अब एक दोस्त एक और दोस्त भी पीछे रह गए, वो देखो आ रहा है वो नवरोज भाई आ रहा है भाई। अभी आगे जाकर हम थोड़ा स्टे करेंगे, थोड़ा बहुत पानी पियेंगे, थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, थोड़ा रेस्ट करने के बाद फिर अपना सफर जारी रखेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। आ जाओ नदीम, नदीम आप लोगों को नजर आ रहा है नदी ऊपर चढ़ते हुए। कैसा महसूस हो रहा है नदीम? माशाल्लाह ऊपर चढ़ने में बहुत मजा भी आ रहा है और थक भी गए हम। बस आगे जाके थोड़ा बहुत फिर आगे हम लोग स्टे करेंगे, रेस्ट करेंगे। अभी हम यहाँ पर रेस्ट कर रहे हैं, स्टे किया हम लोगों ने। दोस्त काफी थक चुके हैं, आप लोग शायद पसीना भी नजर आ रहा हो, बहुत पसीना यार। ये देख सकते हैं दूसरे दोस्त यहाँ पर खड़े हैं, तीसरा दोस्त यहाँ पर बैठा हुआ है और दो लोग जो है बहुत ऊपर गए साए में बैठे हुए हैं, थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं। और दो दोस्त हमारे ऊपर चले गए हैं। तो हम लोगों ने सोचा कि तकरीबन 5 मिनट 6 मिनट रेस्ट करेंगे, रेस्ट करने के बाद फिर आगे जाएंगे पानी पी के। फिर जमाल आप लोग नजर आ रहा हो काफी परेशान है, तो मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर के बाद इंशाल्लाह। अभी नदीम ने हाथ मुंह धो लिया, तो नदीम से बात करते हैं। नदीम आपको कैसा महसूस हो रहा है?
बहुत सुकून महसूस हो रहा है माशाल्लाह। बहुत बहुत जबरदस्त जबरदस्त। अभी आगे भी जाना है, वहाँ पर भी पानी। ये लकड़ियाँ आप लोगों नजर आ रहे हो, ये लकड़ियाँ नदीम ने नीचे से ऊपर नदीम ले आया। और अभी नदीम को काफी गर्मी लग रहा था, तो हमने नीचे एक जो बारिश का पानी है वो रखा हुआ था, वहाँ पर नदीम ने हाथ मुंह धो लिया। अभी नदीम को काफी बेहतर महसूस हो रहा है। तो ये देखो भाई, दोस्त लोग ने सामान भी छोड़ दिया, हम लोग ये सामान यहाँ पर छोड़ दिया दोस्तों ने। और अभी हम थक चुके हैं, नदीम बेहोश होने वाला था। बेहोश होने से पहले अच्छा हुआ पानी मिल गया, वरना नदीम बेहोश हो जाता। अभी इन लोगों ने सामान यहाँ पर छोड़ा है, ये देख सकते हैं। अभी ये उठाना है और उठाने के बाद उठाना पड़ेगा हम लोग को, जाएंगे ऊपर। तो चलते हैं ऊपर, बस इंशाल्लाह खैर से पहुंचे, फिर इंशाल्लाह ब्रेक के बाद मिलेंगे। तो दोस्तों अभी हम फाइनली पहुंच गए हैं एक स्टॉप पर। यहाँ पर हमने स्टॉप किया और हमने कहा कि यहाँ पर चाय बनाते हैं। दोस्त यहाँ पर बैठे हैं, नदीम, मुख्तियार, सद्दाम, नौरोज और बाबुल, दोस्त सारे काफी थक चुके हैं। तो अभी मुख्तियार हमारे लिए चाय बनाएगा। कुछ लोग आए थे यहाँ पे अपना नमक, ये नमक छोड़ के फिर चले गए भाई। यहाँ पे जो भी आएगा ना, अपना सामान अगर बचा है तो यहाँ पे छोड़, क्योंकि दूसरे लोग आएंगे ना, वो फिर इस्तेमाल करेंगे। अभी इसके तुम इस्तेमाल करेगा, आना क्या करे। सही बात कह रहे नदीम भाई। नहीं नदीम भाई सही कह रहे हैं, वो जो आप पिकनिक पर जाते हो या फिर ऐसे किसी पॉइंट पर जाते हो, तो आपके पास जितने भी चीज रहते हैं बचते हैं, तो वो आप किसी साइड पर रख दे ताकि किसी के पैर के नीचे ना आ जाए, या किसी शापर में रख दे ताकि किसी दूसरे मुसाफिर के काम आ जाए। इसके बारे में क्या कहते हो? जी हाँ बिल्कुल, यहाँ पे जो है ना, हम लोग आते हैं लोग ना, तो अपना सामान अगर बचा है तो उसे छोड़ दे, कोई कुछ नहीं होएगा। बारिश भी साइड पे छोड़ दे यार, इनको एक प्लास्टिक में डाला जाए ताकि बारिश से बच जाए, किसी मुसलमान के काम आ जाए। ऐसा नहीं रखे कि कोई बारिश मारिश इसको खराब करे। अच्छा ये बात भी है, बिल्कुल सही कह रहे दोस्तों। क्या बोल रहे बस जो भी बोल रहे क्या बोल रहे सद्दाम अभी इतने परेशान है यार, नो कमेंट। कितने डाले? नहीं थक तो गए, तो इतना रेस्ट किया हम लोगों ने, पानी भी पिया, साथ साथ चलते चलते फ्रूट वगैरह भी खाया। अभी कुछ वो जमाल शायद आप लोगों को नजर आ रहा हो, वो काफी आगे चला गया था। अभी कुछ फ्रूट रहते, फ्रूट खाने के बाद चाय पियेंगे, चाय पीने के बाद फिर अपना जो है ना मंजिल मकसूद पे जाएंगे इंशाल्लाह। वो तो ठीक है, लेकिन इस नमक के बारे में आप क्या कहते हो? यार इसको भी इस्तेमाल करें, क्योंकि ये साफ सुथरा पड़ा हुआ है भाई, क्या पता जहरीला हो फिर। हाँ लीला हो सकता है। हाँ आप ऐसे करो, ट्राई करो, चक मारो यार, टेस्ट करो। ये सूखा हुआ है बिल्कुल भाई, इस पे पानी चढ़ा हुआ है, काम नहीं आएगा। नमक तो ऐसे ही होता है, सूखा होता है। ये पानी डाल इसमें, ये हम लोग खुद कुछ पागल हैं। नहीं यार इसमें इसमें डाल दो, इसमें डाल दो पानी डाल इसमें। तो देखो भाई हम लोग अभी चाय बना रहे, फ्रूट खा के अभी चाय बना रहे। तो चाय पीने के बाद अभी भी रास्ता बहुत आगे है, वो देखो भाई अभी तो बहुत आगे जाना है। पहला सीढ़ी हम लोग चढ़ गए, मतलब दो सीढ़ी अभी तक और रहता है। ये निजाम भाई क्या ख्याल है इस बारे में? यार बहुत लंबा सफर है, बहुत लंबा अभी तक, बहुत लंबा है ना, अभी तक तो आधा हुआ है ना सफर, आधा हुआ है। बस यहाँ पे चाय पका के तबीयत से फिर हंसते निकलेंगे, हंसते हंसते निकलेंगे। सही बात है। नौरोज भाई बस यार क्या करें, सफर में थक गया, अभी चाय पका। हाँ भाई बहुत थक गया, फ्रूट का खेना अभी, हम थकावट दूर जाए फिर आगे चलेंगे। हाँ फिर आगे चलेंगे। ये देखो भाई अभी हम लोग अपना चाय पका रहे हैं भाई, ये देखो भाई इंशाल्लाह चाय के बाद इंशाल्लाह फिर मंजिल मकसूद पे पहुंचेंगे, आगे फिर चलेंगे इंशाल्लाह। आगे अभी तक सफर बहुत है, ये देखो मंजिल मकसूद कौन है, सफर बहुत पड़ा है अभी। नहीं मकसूद कौन है, मकसूद ऊपर बैठा हुआ है वो यार, मकसूद भाई आ जाओ, वो देखो मकसूद भाई। अभी हम लोग जो इधर चाय बन रहे हैं, तकरीबन 5 मिनट लगेगा, 5 मिनट के बाद चाय पी के फिर आगे चले जाएंगे, फिर इंशाल्लाह आगे जाएंगे। और ये हम लोग का ऑफिस है, ये देखो नदीम भाई, ये आजाम भी देता है, अल्हम्दुलिल्लाह जमायत भी देता है, तो बच्चों को भी पढ़ाता है, नाथ भी सुनाता है, गाता है, मतलब पढ़ता है, नाथ भी पढ़ता है। सही बात, ये देखो खैर स्टार्ट करें उसको, बंद कर दिया। वालेकुम फ्रेंड्स, हम लोग पहुंच गए, चाय बना रहे हैं। क्या हो रहा है दानिश भाई? इधर जड़ी बूटियों का चाय बना रहे हैं, और हम लोग का जो आगे वो नहीं चल रहा है, क्योंकि जितने भी वो हैं
लकड़ियाँ हैं सारी गीले हो चुके हैं, इस वजह से धुआं आप लोगों को शायद नज़र आ रहा हो। ये देखो भाई जमाल लगा हुआ है बाबुल, पत्ते पत्तों को बराबर कर रहे जड़ी बूटियों के। जी जी दिखा बाबुल कौन सा जड़ी बूटी पत्ते है। ये देखो भाई ये दिखा दो, ये जड़ी बूटियों कहते हैं इसको, हम लोग अपना जुबान में गुन कहते हैं इसको। वैसे ये शने का दरख्त है, ये आप कुदरती जड़ी बूटी है, सामने आपको ये दरख्त भी नजर आ रहा है ना, टूट ये ऊपर वाला दरख्त है ये। इधर से हम लोग भाई इनका हम लोग चाय बना रहे हैं, अच्छा इधर हम लोग ने ये चाय बनने के साथ साथ एक दवाई भी है गले का, ये सीने का दवा भी है, इसी से समझो चाय के साथ साथ ये दवा भी, दवा का काम भी करता है। और इधर हम लोग खत्म कर देते हैं ये पत्ते, पूरे जिस्म का थकावट खत्म करता है और सीने का जलन और गले का खराश वर्ज वगैरह सब को जो है ना। इस तरह के मजीद पत्ते लेने के लिए नदीम से रابطہ करें, हकीम नदीम, नदीम का नंबर हम लोग स्क्रीन पे देंगे, رابطہ कर सकते हो नदीम भाई से, जमशेद बोल कांटेक्ट कर सकते हो। हेलो तो ये हो गया भाई आज का, आप लोग देख सकते हो ये देखो बिस्मिल्लाह। तो हम लोग ने जो है मौलाना था भाई फनी वीडियो का सीन भी बनाया हुआ है, आगे जाके इंशाल्लाह वीडियोस भी बनाएंगे। तो दानिश भाई ने बोला वीडियोस बनाएंगे, दानिश भाई क्या ख्याल है? हाँ यार चाय पीने के बाद हम लोग आगे जाएंगे, एक जगह है जिसका नाम ब्रावी में कहते हैं उफ़ल्ला। जी जी बिल्कुल, उफ़ल्ला का मतलब ये इंसान जब थक जाता है हमारे जुबान में ब्रावी जुबान में, तो फिर इंसान के मुंह से अचानक निकल जाता है उफ़ल्ला। बिल्कुल सही बात, थकावट के जो है दौरान ये अल्फाज निकल जाते हैं, तो इसी अल्फाज को मद्देनजर रखते हुए जगह का नाम भी हम लोगों ने उफ़ल्ला रखा है। बिल्कुल, तो उस जगह पर हम लोग जाएंगे, वहाँ पर एक कुदरती छोटा सा चश्मा है जहाँ पे जो पहाड़ का पानी है वो रुकता है, तकरीबन 3-4 फुट का एक चश्मा है, साफ पानी है उसका। वहाँ पर जाएंगे हम लोग, स्टे करेंगे वहाँ पर, खाना वगैरह खाएंगे, खाना वगैरह खाने के बाद फिर हम लोग ऊपर जाएंगे, जिसे कहते हैं नज़ारा, वहाँ कोयटा का नज़ारा आप कर सकते हैं, पूरा कोयटा का नज़ारा, हमारा स्टेज वही होगा, उसके बाद फिर हम घर को जाएंगे, उसके बाद फिर शाम को इंशाल्लाह वापस घर जाएंगे, वीडियो भी बनाएंगे, तो आज वीडियो बनाएंगे। आप लोग वीडियो देखते रहो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन का बटन दबाओ। ये है अभी ये जो हमारे जड़ी बूटियां है वो बाबुल डाल रहे हैं चायदान में, और इसका पानी भी तकरीबन उबलने वाला है, जब चाय तैयार हो जाएगा फिर वो भी आप लोगों को दिखाएंगे। यार ये हमारा चाय तैयार हो चुका है जड़ी बूटियों वाला, और बाबुल भाई हमारे लिए चाय डाल रहे हैं। इसका जो कलर है बिल्कुल ग्रीन टी की तरह है, बिल्कुल। अभी मुख्तियार भाई इसको टेस्ट करके हमें बताएंगे कि किस तरह है जायका इसका। अभी हम लोग टेस्ट करने वाले, क्योंकि ज़िंदगी में मैंने इस तरह चाय नहीं पिया, तो आज पियेंगे। बाकी दोस्त वहाँ पर बैठे हैं, चाय तैयार होने का इंतज़ार कर रहे हैं, और चाय तैयार हो चुका है लेकिन उनको अभी तक पता नहीं है। जी माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त चाय बन गया, बहुत अलग जायका है, मतलब जबरदस्त टेस्ट है। जो चाय हम लोग घर में बनाते हैं ना, अच्छा उससे बहुत अलग है ये जायका इस चाय का, और बहुत ही मज़े का बनेगा यार। खुशबू है इस चाय में, खुशबू बहुत मज़े का खुशबू, और बहुत ही वीआईपी चाय बन गया। अच्छा बाबुल भाई किस तरह का चाय है? बहुत जबरदस्त टेस्टी है, जबरदस्त चाय है, क्योंकि जड़ी बूटी का जो है अलग मज़ा। यार मेरे लिए भी चाय डालो, मैं भी। यार हम लोग आगे जा रहे हैं, देख सकते हो ये भी हुआ भाई। हेलो हेलो, सफर बहुत है तो जा रहे हो। हेलो देख सकते हो ये देखो भाई व्यू, बहुत खूबसूरत व्यू है, आप लोग देख सकते हो। ये देखो भाई बहुत ही वीआईपी जगह है, वो देखो भाई खतरा भी है यहाँ, निज़ाम को देखो उतर रहे है, खतरा है, वो लोग उतर गए दोस्त जा रहे हैं। ये देखो भाई दानिश भाई, अभी हम लोग बहुत थक चुके हैं, खाना वगैरह जो है बना के खाना खा के फिर निकले। नज़र आप लोग नज़र आ रहा हो इस रास्ते से, अभी हम लोग जाएंगे इस तरफ, शायद आप लोग नज़र आ रहा हो। जी जी, इससे थोड़ा आगे तकरीबन 10 मिनट का रास्ता है, वहाँ पर एक छोटा सा चश्मा है, वहाँ पर हम लोग स्टे करेंगे, खाना वगैरह बना के खाना खा के फिर हम लोग वापस आ जाएंगे, फिर इस तरफ ऊपर चढ़ेंगे, इस तरफ जो पहाड़ के ऊपर चढ़ कर हम लोग कोयटा का जो पूरा नज़ारा है वो आप लोगों को दिखाएंगे। ये देखो भाई कैसा खतरनाक जगह, देख सकते हैं
तो अभी हम लोग उतर रहे हैं, उतर के हम लोग उसको वीडियो दिखाएंगे क्योंकि अभी वीडियो नहीं होएगा। हम लोग अपने आपको ये देखो भाई नीचे देखो जमशेद भाई कैमरा लगा है, हम लोग नीचे उतरे आप लोगों को दिखाएंगे। बंद कर दिया हमने चेहरा से, देखो आप लोग देख सकते हो पसी चढ़ना बहुत। निजाम क्या हो रहा है, क्या है मुख्तार? वापसी जो है चढ़ना बहुत मुश्किल होता है फिर हम लोग के लिए। अभी तो हम लोग उतर रहे हैं यहाँ से, वापस फिर चढ़ना बहुत मुश्किल होगा हम लोगों के लिए। अभी निज़ाम को आप लोग देख सकते हो, इस तरफ से जो हम लोग पत्ते निकल के चाय बना रहे थे, ये देखो वही दरख्त है, उसी तरह दरख्त है मतलब उधर ही से हम लोग पत्ते निकाल के चाय, दरख्त भी आप लोगों को दिखाएंगे कभी आप लोग चक्कर पे आ गए तो यहाँ पर चाय बना सकते हो। तो व्यू देख सकते हो आप लोग, ये देखो भाई, और यहाँ पर बहुत सुकून है, किसी चीज़ का भी आवाज़ नहीं है दानिश भाई, सिवाय परिंदों पे। जी जी बिल्कुल, और किसी भी चीज़ का आवाज़ नहीं है, और हमारे पैरों के चलने का आवाज़ है। और बहुत पुरसुकून जगह है, उधर से कौन सा जगह था भाई? इस तरह ये कर्खसा जिसे कहते हैं, अच्छा उसका रास्ता यहाँ से निकले कर्खसे का। तो वो लोग चलेगा भाई, हम लोग का जो दो दोस्त था वो देखो सबसे आगे है, तो माशाल्लाह तेज जा रहे, बहुत तेज जा रहे और वजन में भी हल्के वो लोग, इसलिए पंछी बन कर जा रहे हैं, पंछी बन कर जा रहे बिल्कुल। मस्त गगन में ये गाना लगा के, ये गाना लगा के रास्ते में। तो भाई बारिश शुरू हो गया, हम लोग अभी तक रास्ते में, तो बारिश अभी शुरू हो गया, जब तक हम लोग पहुँचेंगे भीग जाएंगे वहाँ तक। क्या ख्याल है मुख्तार? यार अभी तो हम लोग आधे सीढ़ी पर तकरीबन पहुँच गए, आधा और रहता है। बारिश शुरू हो गया, बारिश भी शुरू हो गया, तो अब लोग हम लोग ने खाना भी नहीं, बादल भी देख सकते हो, ये देखो भाई, और व्यू भी देख सकते हो, व्यू बहुत अच्छा, और ये देखो बता रहे हैं यहाँ पर बारिश ज़्यादा शुरू हो गया, तो अच्छा हुआ यार बारिश हो गया, पसीना भी बहुत कर रहे थे हम लोग, और हम लोग पहुंच जाए वहाँ पर, उससे पहले हम लोग भीग नहीं जाए क्योंकि रास्ता भी इस तरह है ना, क्योंकि यहाँ पे पानी और जल वगैरह भी बहुत सारा, क्योंकि हम लोग वहाँ पर पहुँचे फिर बारिश ज़्यादा हो भी हम लोगों के लिए मसला नहीं हो सकता। जी जी बिल्कुल, जो है लोगों ने, और ये देखो बिल्कुल रास्ता बना हुआ है पहाड़ पर जहाँ पर हम लोग जा रहे हैं वहाँ तक, ये देखो चारों तरफ वही पहाड़ है, क्योंकि अक्सर यहाँ पर लोग गुजरते हैं जाते हैं पिकनिक करते हैं वापस आते हैं, तो इस वजह से रास्ता बना हुआ है वहाँ तक, बिल्कुल आप लोग देख सकते हो। तो आप लोग यहाँ पर आ सकते हो, यहाँ का मौसम वगैरह अभी तो बहुत अच्छा है, आगे का कुछ पता नहीं है क्या सीन होने वाला है, जिस टाइम फ्री होते हो तो यहाँ पर आओ चक्कर चक्कर लगाओ पिकनिक के लिए। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा जगह है, ये बहुत अच्छा जगह है। नौरोज क्या कहना चाहते हो? नौरोज भाई क्या ख्याल है, क्या ख्याल है यार? थक गया हो नौरोज भाई? भाई बहुत थक गए, क्योंकि इस बेचारे ने बात भी नहीं कर रहा है, तीसरे जो है थक गए। देखो नदीम भाई सबसे पीछे, उस बेचारे के सामान दे दिए हम लोगों ने सामान, क्योंकि बहुत पीछे है बेचारा, थक भी गया है। और हम लोग का जो है दानिश भाई है वो देखो जा रहे हैं, अभी काफ़ी सफ़र लंबा है भाई, इस वजह से जो हम लोग ने रात को गया था वो तो हम लोग छोटे से पिकनिक बनाने के लिए गया था, अभी जो हम लोग सीन बनाए थे वो सीन हम लोग ने पूरा किया, अभी हम लोग आगे जाएंगे। और यहाँ पर अच्छे अच्छे परिंदे भी हैं। हाँ बिल्कुल, आप लोग आ सकते हो तो देख सकते हो। क्या ख्याल है वो भाई? यार वहाँ पर पहुँच के फिर देख लेंगे ना, डिसाइड करेंगे। यार अकेला क्या कर, अकेला इधर ही बैठो, अकेले अच्छा है, थोड़ा इंजॉय करो। रात को इधर ही होते हैं जमशेद भाई? जी जी निज़ाम भाई बोल रहे हैं कि रात को इधर ही होते हैं।
निज़ाम भाई देख लेंगे भाई। अभी आप लोग देख सकते हो वो दोस्त पढ़ के उस तरफ चले गए और हम लोग रास्ते में, ये रास्ता बिल्कुल वहाँ तक बना हुआ, पहाड़ के उस तरफ चले गए और हम लोग वो सामने पहाड़ देख सकते हो वहाँ से हम लोग आ रहे हैं, उससे पीछे पहाड़ क्रॉस करके हम लोग आगे आगे अभी आगे जा रहे हैं। अभी आगे तो आप लोग को जो है व्यू दिखाएंगे ज़बरदस्त लगेगा हम लोग को भी। आप लोग यहाँ पर आने में पैदल 2 से 3 घंटे का रास्ता है। अभी हम लोग को तकरीबन 2 घंटे हो गए ना जमशेद भाई? हाँ हम लोग सफ़र रास्ते में सफ़र कर रहे हैं, 2 घंटे हो गए भाई, 2 से 3 घंटा हो गया ना, तो क्योंकि हम लोग थोड़ा रेस्ट भी किया, चाय भी बनाए अपने लिए। हाँ चाय बनाए इसलिए फिर हम लोग फ्रेश हो गए, अभी हम लोग निकल गए। वैसे 2 से 3 घंटे का रास्ता है यहाँ पर। हाँ ये जो बादल अगर नहीं होता था ना ओ हम लोग का खाना ख़राब होता था, क्योंकि ये देख रहे हो बिल्कुल रास्ता बना हुआ है, ये देखो बिल्कुल पहाड़ के ऊपर तक। वो देखो दोस्त आगे जा रहे हैं, अभी ये देखो एक बंदा आ रहा है उधर, अभी ये लोग मेरा ख्याल पिकनिक करके आ रहे हैं। अब रिफी सुनते हो, ये देखो भाई वो भाई भी आ रहे हैं, आप लोग देख सकते हो। मुख्तार क्या कहना चाहते हो यार इससे हम लोग बात करें, क्या ख्याल है किधर से आ रहे हो? यार भाई से बात करना मुनासिब नहीं होएगा, फिर भी देखेंगे। हाँ बात करना चाहता हूँ, बात करेंगे इस भाई से बात करेंगे। भाई अपना गाना सुन रहे, गाना सुन क्या रहे। अस्सलाम वालेकुम भाई, बड़े खरीत थे ठीक ठाक, तो इससे ठीक से ठीक अल्लाह पाकिस्तान है मेरा जरूरत था अल्लाह जी मेहरबानी, खुश रहो खुश रहो। तो ये भाई बिरावी था जो ये बिरावी, इस वजह से ज़्यादा बात नहीं किया लोगों ने और हम लोग को सलाह लगा कि भाई कोई खिदमत कोई चीज़ में इस चाहिए बिल्कुल, तो यहाँ के लोग मेहमान नवाज होते हैं, बहुत मेहमान नवाज होते हैं, क्योंकि पहाड़ पे जो भी आता है ना एक दूसरे का हेल्प करते हैं, बहुत किसी को कोई चीज़ चाहिए सामान वगैरह पूछते इसलिए भाई, क्योंकि यहाँ पर ना परचून आपको मिलेगा ना कोई चीज़, जो भी होएगा आप अपना उठा के ले आना, हर सहूलत अपना उठा के बंदा फिर रेडी हो जाए। क्या ख्याल है जमशेद भाई? हाँ यहाँ पर गलती से भी इस तरह नहीं आना, क्योंकि बाद में बहुत बहुत ज़्यादा पछताओगे, बहुत ज़्यादा। तो हम लोग को जो सामान वगैरह आप लोग देख सकते हो ना, 2 घंटे से हम लोग सफ़र कर रहे हैं, ना कोई चीज़ ना कुछ, सिर्फ पहाड़ी पहाड़ है, सिर्फ पहाड़ी पहाड़। अभी तक हम लोग आगे जाने वाले हैं, तो हम लोग आगे चढ़ के फिर आप लोगों को वीडियो दिखाएंगे, इंशाल्लाह व्यू दिखाएंगे, व्यू दिखाएंगे आप लोग, हमारे साथ रहिए। और यार चैनल को जमशेद भाई ये लोग सब्सक्राइब नहीं करते यार, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं, क्योंकि आप लोग देख सकते हो 2 से 2.5 घंटे और हम लोग सफ़र कर रहे हैं। जी जी बिल्कुल, और हम दोस्त लोग थक के बैठ गए, आप लोगों से यही गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन करें। जमशेद भाई 3000 व्यूज आया यार, अरमान बलोच फेसबुक पेज उसको भी फॉलो करें इंशाल्लाह, हमें सपोर्ट करें, आप लोगों को अच्छे से अच्छे व्यू दिखाएंगे इंशाल्लाह, बहुत अच्छा इससे भी बेहतर व्लॉग और फनी वीडियो भी हम लोग बनाते हैं यार, प्रैंक भी करते हैं, फनी वीडियो भी करते हैं और व्लॉग भी बनाते हैं, हम लोगों के साथ रहिए, आप लोगों को हमेशा खुश रखेंगे इंशाल्लाह आप लोग। तो भाई फाइनली हम लोग पहुँच गए निज़ाम जी, यार कैसा हो गया सफ़र भाई? यार बिल्कुल ख़त्म, तबाह हालत ही ख़राब हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया यार, क्या बताएं आप लोगों को। तो ये देखो यहाँ पर मस्जिद है और ये जानमाज़ भी रखा हुआ है, मस्जिद में बना हुआ है यहाँ पर, और आप लोगों को छोटा चश्मा मिल सकता है यहाँ पर, पानी यहाँ पर छोटा चश्मा बना हुआ है, ये चश्मा है भाई, ये चश्मा है भाई, ये देखो भाई यहाँ पर आप लोगों को पानी मिल सकता है, यहाँ पर जो कुदरती पानी आता है जितना भी निकालो खत्म नहीं होगा, और यहाँ पर आपको पानी मिल सकता है चश्मे पे। और ये भाई लोग अभी इन लोगों से पूछेंगे कैसा रहा भाई सफर, जबरदस्त बहुत नामी, अभी बाबुल थकावट हो फनी वीडियोस थक गए किस तरह थक गए? कारी साहब नहीं
नदीम भाई बहुत थक गया क्योंकि उसके पास सामान भी बहुत ज़्यादा था भाई की, तो तबीयत भी ख़राब है ना, रास्ते में रुक रहा था क्योंकि उसको सामान हम लोगों ने बहुत ज़्यादा दिया था इस वजह से ना। नहीं उसको फिर तबीयत भी ख़राब है ना, बोलते सर में दर्द है पता नहीं क्या। नदीम भाई वही चाय बनाए आपके लिए? जी हाँ यार वही चाय बनाए यार, वो चाय हुए थकावट भी दूर होएगा बहुत। खाने के कुछ सिस्टम बनाएंगे? बहुत थक गए तो वही चाय अच्छा है, खाने के बाद वही सिस्टम करेंगे। अभी हम लोग यहाँ पर आए हैं, आप लोगों को अभी हम लोग शूट भी करेंगे और अपना वीडियो भी बनाएंगे, तो आप देख सकते हो हम बलोच पेज है, तो आप लोग वीडियो को शूट भी करेंगे, वो भी देखो व्लॉग भी करेंगे अपने लिए, यहाँ पर रोटी सलाम भी बनाएंगे। आप लोग हमारे साथ रहिए। देखो मुख्तियार भाई, हाँ भाई क्या हो रहा है यार? हम लोग अभी खाने बनाने के सीन में बहुत भूख लगा है, तो वहाँ पर जो हम लोग को चीज़ें साफ होएगा फिर उसके बाद हम लोग खाना बनाएंगे। हाँ भाई प्यास भी बहुत ज़्यादा लगा हुआ है, पानी भी पियेंगे। अभी हम लोग जा रहे हैं, अभी ये मुख्तियार दो रहा है इसको। जमाल थोड़ा पानी मिल सकता है पीने के लिए भाई? ट्रैक्टर ले जाऊँ पानी, एक गिलास दे दो पानी पीने के लिए। ठंडा है पानी बाबल भाई? हाँ व्लॉग भी बनाएंगे यार, बना रहे फनी वीडियो बनाएंगे बाबुल का, बनाएंगे भाई बाबुल फनी वीडियो को भी ब्लॉग बोल रहे हैं हम लोग, क्या करें फनी वीडियो बनाएंगे बाबुल के लिए। वो तो बनाएंगे, वो तो तसल्ली से बनाएंगे एक बार थकावट दूर करें उसके बाद। समझ गए आप लोग, अभी यहाँ पर आ जाओ लोगों को दिखाएंगे। पत्थर मत फेंको यार, पानी जो है ना इसका ख़राब हो जाएगा। सुपर वाले पानी हम लोग अभी निकाल रहे हैं, वो हम लोग पीने के लिए इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद फिर जो इसका पानी हो थोड़ा बहुत इसका रंग ख़राब है ना, मिट्टी वगैरह है, तो वो हम लोग फिर इसके लिए खाना वगैरह के लिए और जो हम लोग कढ़ाई वगैरह बना रहे हैं उनको गोश्त वगैरह धोने के लिए हम लोग वो करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। माशाल्लाह बहुत अच्छा पानी है, बहुत साफ पानी है, मीठा भी है। ये पीने के लिए भी है ना दानिश भाई? हाँ ना, अभी हम लोग ऊपर वाले पानी जो निकाल रहे हैं इसको पीने के लिए, पीने के लिए निकाल रहे हैं भाई। देख सकते भाई कुदरती चश्मा है, यहाँ से पानी आता है, यहाँ पर जो है पानी ख़त्म नहीं होता, जितना भी पानी निकालो या वापस कुदरती पानी वापस आता है इधर। बिल्कुल यार, ऐसा एक डब्बा उधर और पड़ेगा ना, कौन सा बोतल पड़ा हुआ है इस शॉपर में जी, ये ले यार स्टार्ट की ना। बाबुल भाई आप चाय बनाओ भाई, बाबुल भाई चाय बना रहे हैं, नदीम भाई और जमशेद भाई थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो भाई हम लोग और यहाँ पे भाई खाने की तैयारी हो रही है, पानी का काफी किल्लत है तो इस वजह से कोशिश करो पानी ज्यादा जाए मत करो। हाँ यार अभी इसी पानी में हम लोग सब्जी भी धोएंगे उसके बाद फिर गोश्त भी धोएंगे। बिल्कुल ये डूल चुके हैं, अभी अलामा साहब जाकर टमाटर और मिर्ची वगैरह वहाँ पर बैठकर इनको काटेगा, जब तक गोश्त है वहाँ पर चलेगा, इनको बस धोएंगे उसके बाद फिर आग भी जलाना है ना। यही है चश्मा, कुदरती चश्मा, थोड़ा बहुत नमक इसमें डाल दो क्योंकि खत्म हो चुका है। निजाम भाई जी फिर वही चाय बनाए, क्या ख्याल है आपका? यार वही चाय बनाए, गोश्त में नमक डाल रहे हो? अभी गोश्त में नौरोज भाई नमक डाल रहे हैं जी, इतना सही है? हाँ सही है, इतना बहुत, इस वजह से हम डाल रहे हैं क्योंकि गोश्त का जो चिकनाहट है वो ख़त्म हो जाएगा। बिल्कुल थोड़ा और डाल दो नमक ज़्यादा है, थोड़ा नीचे डाल दो यार, डालो डालो डालो। अभी जमाल भाई अच्छी तरह से गोश्त धो रहे हैं। यार मुख्तियार भाई एक प्लेट तो ले आओ, एक प्लेट ले आओ यहाँ पर, जब तक ये धुल जाएंगे ठीक है, उसके बाद आग भी जलाना है, चाय भी बनाना है, वही आग पर जो है ना चाय भी बनाएंगे और खाना भी बनाएंगे। और पता नहीं सुबह से मुझे हिचकिया क्यों आ रही है यार, बहुत हिचकिया आ रही है, हिचकिया जो है ना कल रात से स्टार्ट हुई है, पता नहीं किस लिए यार। तो यहाँ पे चीज़ें धो रहे हैं, यहाँ पे हमें पानी मिल सकता है, मतलब पूरे जगह में एक और जगह था वहाँ पे जो है ना थोड़ा रास्ता बहुत ख़राब है, वहाँ पे एक रस्सी है ऊपर जाना पड़ता है, थोड़ा रास्ता भी ख़राब है और वहाँ से जो है ना फिर पानी निकालना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल सही है, बिल्कुल आराम से यहाँ पे जो है ना लोगों ने दरख्त वरख्त भी लगाए हुए हैं लोगों के लिए, ये मस्जिद भी छोटा सा बनाया हुआ है ना, तो काफ़ी सहूलियात भी है इधर ना, है तो दूर लेकिन अच्छी जगह है बहुत।
अलामा साहब इधर जो है ना टमाटर काट रहे, काम हो रहा है भाई सब लोग। तो उधर बाबुल भाई चाय बना रहे, चाय पी के फिर इंशाल्लाह आग लगाते, उसके बाद खाना वगैरह खा के सालम पका। मैं आग जलाऊंगा, दानिश भाई ने बोला। कौन सा जगह पे आ यार, क्योंकि बारिश का मूड है ना, बिल्कुल बादल बादल हो रहे, इसलिए यहाँ पर जो है ना सही है बिल्कुल आग जलाने के लिए। सही बात है बिल्कुल, लकड़ी हमने लाया है, बहुत लकड़ी है। अबे मैं आ गया। हाँ, क्योंकि यहाँ पे चीज़ों को हाथ लगाना मना है ना बिल्कुल। अभी यहाँ पे एक दरख्त है, वहाँ पर भी एक दरख्त है ना, तो इन दरख्तों को बिल्कुल हाथ लगाना मना है। वैसे तो यहाँ पे जो है ना ये देखें अंजीर का दरख्त है ना, अभी तो फिलहाल ये कच्चे, अगर पक जाते हैं तो आप इनको तोड़ कर खा सकते हो, कोई पाबंदी नहीं है, पर किसी चीज़ का जो है नुकसान नहीं देना चाहिए। यार जल्दी करो, भूख बहुत लगा हुआ है कसम से, इतना पैदल आए अभी भूख बहुत ज्यादा लगा हुआ है। भाई की दोनों साइड वाले जीप नहीं है उसके अंदर पड़ा हुआ है। यार जमाल सुबह से यही काम पे लगे हुए हैं, बस बेदारी करो। सफाई करें जमाल, जो ना सफाई पसंद करता है यहाँ पे। यार सफाई नफ्स ईमान है बिल्कुल, माशाल्लाह बहुत ठंडा पानी और मीठा पानी है। ऊपर वाला पानी हम लोग अभी निकाल रहे हैं क्योंकि मीठा पानी भी है और साफ पानी भी है। जब पानी थोड़ा नीचे चला जाता है पानी का लेवल, उसमें मिट्टी है तो मिट्टी वाला पानी हम लोग नहीं पी सकते ना, तो इस वजह से मैं कोशिश कर रहा हूँ जितने हमारे पास खाली बोतल है पड़ी हुए सारे मैं भर दूंगा एक दफ़ा, फिर उसके बाद फिर जो नीचे वाला पानी है उसे हम लोग हाथ मुँह धोएंगे और बाकी चीज़ें वगैरह जो बर्तन हमारे हैं वो धोएंगे, उसके बाद फिर हम रेस्ट करेंगे, खाना वगैरह खा के पानी वगैरह पी कर हम लोग फिर वापस ऊपर जाएंगे। हाँ, पर नज़ारे पे जाएंगे ना। हाँ, जगह है जिसका नाम नज़ारा है, वहाँ पर हम लोग जाएंगे, वहाँ पे जाएंगे, आप लोगों को पूरी क्वेटा का व्यू दिखाएंगे। मतलब वहाँ से बिल्कुल पूरा क्वेटा नज़र आता, वो बहुत ऊंची जगह है ना, तकरीबन मतलब ये आपको दिख रहा होगा ना, यही जगह है, पता नहीं दानिश भाई ने कहा था कि यही जगह हो सकता है या फिर यहाँ से रास्ता निकलता है ना जहाँ से हम लोग आए थे, तो जहाँ से हम लोग आए थे अभी वापस वहीं पर जाना है और उसके बाद नज़ारे पर जाएंगे पैदल पैदल। मतलब ज़िंदगी के जो मज़ा है ना वो पैदल ले ओ भाई, सवारियों में कुछ नहीं रखा है। अभी भी हम लोगों ने बहुत पैदल किया यार। अभी जो है ना एक बंदा इधर खड़ा है, इसका नाम नौरोज है, इससे अभी आग नहीं जल रहा है लेकिन मेहनत कर रहा है यार, बिल्कुल लकड़ियाँ काट रहा है, मेहनत जारी है सब लोगों का। तो यहाँ पे जो है ना और भाई भी लोग आए हुए हैं, सही है, ये भी पिकनिक वाले हैं। अभी देखिए यहाँ पे आए हुए हैं तो यहाँ से ये लोग भी पानी निकाल लेंगे ना। मतलब यार कुदरती चश्मे होते हैं ना हर किसी के लिए सहूलत। ये दो भाई हैं ना, ये लोग भी पिकनिक वाले यहाँ से पानी भरने के लिए आए हैं, मेरे ख्याल से ये लोग वापस जाएंगे ना। तो इस बाइक साथ फिल्टर हम लोगों ने तो वैसे ही निकाल दिया बिस्मिल्लाह करके, लेकिन इस बाइक जो है पास ना फिल्टर है, जरा करीब से दिखाओ भाई ना, वो चला करा पानी निकाल देंगे ये भाई, अभी निकाल रहे भाई। ये शेफ बकर है ना, जाओ इधर मत बनाया भाई ने। खाना तैयार होने वाला है, कढ़ाई में पहले गोश्त सर्व करेंगे, उसके बाद उनको निकाल करके टमाटर उसमें डाल देंगे, टमाटर डालने के बाद फिर कढ़ाई हम लोग का तैयार हो जाएगा। फिलहाल आग भी जल चुका है, मुख्तार ने सूख तो बस गोश्त, मुख्तार ये गोश्त देना जाने कौन सा। तभी जो है हम लोग का सालन बन रहा है, तो दानिश भाई सालन बना रहे, ये देखो भाई अभी तक लगे हुए काम में, तो ये मिर्च वगैरह टमाटर पड़ा हुआ है, तो ये देख सकते हैं दानिश भाई बना रहे। दानिश भाई कब बनेगा? मेरा तकरीबन 20 से 25 मिनट लग जाएंगे इंशाल्लाह। हां एक तो थक गया है, फिर भूख ज़्यादा है, क्या करें, बहुत भूख भी बहुत ज़्यादा लगा है। 25 मिनट तो बहुत मुश्किल है दानिश भाई, अभी तो बनने वाला है। तो हम लोग का उधर जो है चाय बन रहा है देखो, और दूसरे लोग भी आ गए पिकनिक मनाने के लिए, चार पांच बंदे और हैं।
वो निज़ाम भाई है, ये नदीम भाई है। तो हम लोग का लामा साहब को देखो इस तरह पड़ा हुए हो, ये देखो चाय भी इधर बन रही है, वीडियो भी कर रहे हैं हम लोग। तो देखो भाई लोग लगे हुए, मैं जो थोड़ा सा थक गया हूँ, थोड़ा सा फ्रेश होके नदीम भाई हंस रहे, फिर उसके बाद जो हम लोग खाना खाएंगे। इस वजह से ये देखो दानिश भाई इधर बैठा हुआ है। अभी हम लोग जो है सीन कुछ इस तरह हो गया, हम लोग कोल्ड ड्रिंक भी रास्ते में गिर गया था इस वजह से ना, फिर हम लोग इधर आगे भी मैं बैठा हुआ उधर चाय बन रही है। तो दोस्तों फाइनली हम पहुंच गए, ये क्वेटा का व्यू है। यहाँ तक पहुंचने में हमें तकरीबन 9 घंटे लग चुके हैं। ये यहाँ से क्वेटा आप लोगों को नज़र आ रहा हो, बाकी मुख्तार दिख रहा है। जी जी भाई ये लो, ये देखो भाई वो सदाम भाई बैठा हुआ, देखो पार्क के ऊपर बैठा हुआ भाई, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। काफ़ी टाइम लगा है हम लोग ने ना, ये देखो कितना प्यारा व्यू है। बहुत टाइम तकरीबन दानिश भाई ने जब बोला ना 9 घंटे लगाए, ऐसे ऐसे रास्ते आ रहे थे, दिल भी धक धक कर रहा था, बहुत खतरनाक रास्ते आ रहे थे यार। ये देखो चाय बन रहा है हम लोग का। तो अभी हम लोग जाने वाले हैं ना, फिर इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में चाय पी के। ये देखो भाई टीम देखो, अभी तो अंधेरा है बहुत, इस वजह से मैंने फ्लैश लगाया हुआ है। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और बेल आइकन को लाजमी दबाइएगा यार। इंशाल्लाह तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।